दोस्तों बजाज की क्विड जो कि इंडिया की सबसे सस्ती कार है, इसको आप बहुत सारे पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, ऑटो के लिए, पर्सनल यूज के लिए, और ये बहुत ही सस्ती कार यहाँ पर है। दोस्तों आज इसको मैं कंपेयर करने वाला हूँ एक ऐसे ई रिक्शा के साथ या ई ऑटो के साथ जो इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़बरदस्त ई रिक्शा है, ये है महिंद्रा का ट्रियो। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, आप वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस कंपेरिजन वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे दोनों के इंजन को। बजाज क्विड यहाँ पर आपको CNG और LPG के ऑप्शन में मिलती है, और फ्यूचर में ये आपको इलेक्ट्रिक अवतार में भी देखने को मिलेगी। महिंद्रा की ट्रियो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक अवतार में देखने को मिलती है, ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों पावर की बात करूँ तो बजाज क्विड में आपको 10.83 हॉर्स पावर देखने को मिलेगी, और महिंद्रा का जो ट्रियो यहाँ पर ये ई रिक्शा आता है, इसमें आपको मैक्सिमम 10 हॉर्स पावर की पावर देखने को मिलेगी। तो पावर के मामले में आप देख सकते हैं दोनों की पावर लगभग लगभग आपको यहां पर सिमिलर देखने को मिलेगी, आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों के यहां पर मैक्सिमम टॉर्क के बारे में, तो बजाज क्विड में आपको 16.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा, वहीं महिंद्रा का जो ट्रियो ई रिक्शा आता है इसमें आपको 42 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। टॉर्क में यहाँ पर भारी अंतर आपको दोनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों की मैक्सिमम स्पीड के बारे में, बजाज क्विड यहाँ पर भाग सकती है 70 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ, और महिंद्रा का ट्रियो ई रिक्शा यहाँ पर भाग सकता है 55 किलोमीटर पर आवर की मैक्सिमम स्पीड के साथ। तो यहाँ पर बजाज क्विड महिंद्रा के ट्रियो जो यहाँ पर ई रिक्शा है उससे काफ़ी आगे स्पीड में नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों के रेंज के बारे में, तो यहाँ पर बजाज क्विड में रेंज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये इसमें इलेक्ट्रिक नहीं रहता है, इसमें आपको फ्यूल बनाना पड़ता है। और जो महिंद्रा का ट्रियो यारी ई रिक्शा आता है यहाँ पर आपको 141 किलोमीटर की रेंज देखने को मिलेगी। दोस्तों अगर हम बात करें ग्रेडेबिलिटी की, तो यहाँ पर बजाज क्विड में आपको 20% की ग्रेडेबिलिटी देखने को मिलेगी, और महिंद्रा ट्रियो में यहाँ पर आपको 12.7% की ग्रेडेबिलिटी देखने को मिलेगी। ग्रेडेबिलिटी में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ग्रेडेबिलिटी मतलब चढ़ाई चढ़ने की क्षमता, यहाँ पर बजाज क्विड जो गाड़ी आ रही है इसकी ग्रेडेबिलिटी महिंद्रा ट्रियो से काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस आपको दोनों की ग्रेडेबिलिटी में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों के चार्जिंग टाइम के बारे में, तो बजाज क्विड अभी ईवी में नहीं है तो इसके लिए ये नॉट एप्लीकेबल है, चार्जिंग इसमें नहीं होता है। और जो महिंद्रा की ट्रियो यहाँ पर ई रिक्शा आती है, इसकी जो चार्जिंग टाइम है ये 3 आवर 50 मिनट की है, यानी कि लगभग 4 घंटा आपको एक बार में इसको फुल चार्ज करने के लिए चाहिए होगा। दोस्तों अगर बात करें दोनों की लेंथ के बारे में, तो बजाज क्विड की लेंथ यहाँ पर आपको 2752 mm की, और महिंद्रा की जो ट्रियो इलेक्ट्रिक ई रिक्शा है इसकी ओवरऑल लेंथ 2769 mm की आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों विड्थ की बात करूँ तो बजाज क्विड की ओवरऑल विड्थ यहाँ पर आपको 1312 mm की, और महिंद्रा का जो ट्रियो ई रिक्शा है इसकी ओवरऑल विड्थ आपको 1350 mm देखने को मिलेगी। तो लगभग लगभग आपको सिमिलर विड्थ दोनों में देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों गाड़ियों के हाइट के बारे में, बजाज क्विड की हाइट आपको 1652 mm की, और महिंद्रा ट्रियो की हाइट आपको 1757 mm की देखने को मिलेगी। दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो बजाज के क्विड का ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm, और महिंद्रा ट्रियो का ग्राउंड क्लियरेंस 142 mm का आपको देखने को मिलता है। तो ग्राउंड क्लियरेंस में भी आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को दोनों में मिलेगा। अगर हम बात करें दोनों के व्हील बेस के बारे में, तो बजाज क्विड का व्हील बेस 1925 mm का, और महिंद्रा ट्रियो का व्हील बेस 2073 mm का आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर व्हील बेस में भी काफ़ी डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिल रहा है। महिंद्रा का जो ट्रियो गाड़ी है इसका व्हील बेस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम बात करें दोनों के ग्रॉस व्हीकल वेट यानी कि GVW कैपेसिटी के बारे में, तो बजाज क्विड का ग्रॉस व्हीकल वेट यानी कि GVW कैपेसिटी 450 kg का रहता है, वहीं महिंद्रा ट्रियो का जो ग्रॉस व्हीकल वेट GVW है 350 kg रहता है। दोस्तों गियर्स की बात करूँ तो बजाज क्विड में आपको 5-स्पीड वाला गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें 5 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर का ऑप्शन रहता है, वहीं महिंद्रा के ट्रियो में आपको 1 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसमें इस तरह का अरेंजमेंट दिया गया है। दोस्तों दोनों की सीटिंग की बात करूं तो दोनों ही बजाज का क्विड हो या महिंद्रा का ट्रियो हो, दोनों में आपको D+3 यानी कि एक ड्राइवर के साथ 3 पैसेंजर्स की बैठने की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो सीटिंग में आपको कोई भी डिफरेंस दोनों में देखने को नहीं मिलेगा, दोनों में आपको सिमिलर अरेंजमेंट सीटिंग में देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत मेजर बड़ा सिमिलरिटी आपको दोनों में देखने को मिलेगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे दोनों
गाड़ियों के यहाँ पर ब्रेक्स के बारे में। दोनों ही गाड़ियों में आपको हाइड्रोलिक ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स की इफ़िशेंसी, एक्यूरेसी और सेफ्टी के हिसाब से भी ये ब्रेक्स बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, बेस्ट रहते हैं। इनमें आपको बिल्कुल एकदम से ब्रेक अप्लाई हो जाता है, कोई भी आपको यहाँ पर डिस्प्यूट नहीं रहता है। दोस्तों अगर बात करें दोनों के स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में, तो दोनों की गाड़ियों में आपको मैनुअल स्टीयरिंग देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बजाज क्विड में मैनुअल रैक एंड पिनियन टाइप का स्टीयरिंग और महिंद्रा के ट्रियो में आपको हैंडल बार टाइप स्टीयरिंग देखने को मिलेगा। तो स्टीयरिंग में आपको कोई डिफरेंस दोनों गाड़ियों में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों में आपको पावर स्टीयरिंग की जगह मैनुअल स्टीयरिंग यहाँ पर कंपनियाँ लगा के देती हैं। दोस्तों बात करें नेक्स्ट यहाँ पर दोनों गाड़ियों के नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो फ्रंट सस्पेंशन की बात करूँगा तो फ्रंट में यहाँ पर बजाज क्विड में इंडिपेंडेंट सस्पेंशन देखने को मिलता है। और जो महिंद्रा का ट्रियो यहाँ पर ये ई रिक्शा आता है, इसमें आपको हेलिकल स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा, जिसमें आपको हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सस्पेंशन दोनों गाड़ियों में फ्रंट साइड में आपको लगा के दिया जाता है। रियर यानी कि पीछे की सस्पेंशन की बात करूँ तो बजाज क्विड में पीछे की तरफ आपको इंडिपेंडेंट सस्पेंशन विद सेमी ट्रेलिंग आर्म देखने को मिलेगा। वहीं महिंद्रा के ट्रियो में आपको यहाँ पर रियर साइड में रिजिड एक्सल लिप स्प्रिंग सस्पेंशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रियर यानी पीछे की तरफ भी बहुत मजबूत सस्पेंशन दोनों गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, बात करें टायर्स के बारे में, तो बजाज क्विड में आपको 235/75 R16 के टायर्स देखने को मिलेंगे। महिंद्रा ट्रियो में आपको 10 R20 के टायर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ टायर्स की बात करूँ तो बजाज क्विड में आपको 4 टायर्स कंपनी लगा के देती है, एक स्पेयर टायर देखने को मिलेगा। महिंद्रा ट्रियो में 3 टायर कंपनी लगा के देती है, एक स्पेयर टायर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर बात करें दोनों की बैटरी के बारे में, तो बजाज क्विड में आपको नॉर्मल 12 आवर की 260 यहाँ पर 26 एम्पियर आवर की बैटरी 12 वोल्ट की देखने को मिलेगी। और महिंद्रा ट्रियो जो कि एक ईवी है, इसमें 48 वोल्ट की लिथियम बैटरी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बैटरी में मेजर डिफरेंस आपको दोनों में देखने को मिलेगा। माइलेज की बात करूँ तो बजाज क्विड में आपको 43 किलोमीटर पर केजी का माइलेज सीएनजी में देखने को मिल जाता है। और महिंद्रा ट्रियो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, तो इसमें रेंज आपको माइलेज की तरह जगह देखने को मिलेगी। दोस्तों दोनों का प्राइस की बात करूँ तो बजाज क्विड लगभग 3.61 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस में आपको मिल सकती है। वहीं जो महिंद्रा की ट्रियो गाड़ी आती है, ये आपको 2.92 से 3.02 लाख रुपीज के एक्स शोरूम प्राइस तक मिल सकती है। दोस्तों जो हम आपको प्राइस की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं बेस्ड ऑन इंटरनेट रिसर्च, दोनों का एक्स शोरूम प्राइस बता रहे हैं। एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस के लिए आपको दोनों के शोरूम में विजिट करना पड़ेगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो हम कौन से टॉपिक में लेके आए वो भी हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप अभी तक हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमर्शियल व्हीकल से रिलेटेड और भी वीडियोज आप हमारे चैनल में देखते रहें।